के साथ बैठ के ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने रखे और तब तक इनका दफ्तर नहीं छोड़ा जब तक नबार्ड में इनको इंक्लूड नहीं करवाया। अगर किसी ने डेवलपमेंट के काम के लिए रुकावट करने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा। और हम उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं जो 16 साल 15 साल MLA रहे और मिनिस्टर रहे, हम उनसे भी रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। इसलिए जो कि रोड अपग्रेडेशन की बात है पहले से उनको अपग्रेड करने के लिए, अब आपको विंटर्स में सर्दियों में बारिशों में कीचड़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं पहले का मतलब उनको दावा देना चाहता हूँ कि वो अबुछम दुख में खुशहाल अबुछम वत में तो मेरा उछम दुख में खुशहाल उछम याद में सॉरी पे ओम ये सकीना जी उछम वत में तो मेरा उछम दुख में खुशहाल उछम याद में सॉरी पे ओम ये सकीना जी उछम। पंच तरफ आवाम की तरफ गवर्नमेंट की तरफ तो सी लुकन ये मुबारकबाद बड़ आसान बासान के जनाब आजाद तरह पंद्रह शोन रुपये हिंदिस प्रोजेक्ट मगर अत पत्त तूत मेहनत लगान ये इंजीनियरिंग मार्कम पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पे काउंसिल मीटिंग ताकि पास कर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अप्रूवल तम पे फंडिंग करना प्रोजेक्ट अत मेहनत ज्याद पुश पे तम पे प्रोजेक्ट पाय तक तमाम वाता गवर्नमेंट के पे आवाज दिन इन शन करोड़न मज यह तुहदि खा अक मुबारक कत मगर अत सडम एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन इम यह पाय तक तमाम वात तुहदिस या दरवाजस तक या गामस तम वात मगर अम पवाम यह जिम्मेदारी कि तम थवन अस पे नजर कि करो गल काउंसिल यह आर्डर दिवान एग्जीक्यूशनरीज करो गलत अत लगा यह पोस बराबर अत खु गवर्नमेंटन वसाइल थे आन लाइन पोर्टल एवेल सबसे पहले हाथ उठाते सारे सारे इतने की हाथ उठाइए काम लड़े हाथ उठाते हम एक हम एक हम
जनाब तारिक साहब, क्या नाम है आपका? असलम साहब, असलम साहब। आप डिप्टी सरपंच थे? जी। एक्स डिप्टी सरपंच साहब, हाँ। माशाअल्लाह, अगर मैंने माइक छीना ना होता तो आज पूरी दिन हमको जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं। मुझे खुशी होती है जब जिस कौम का नौजवान बेदार हो सियासी तौर पे, वो मुर्दा कौम है। इसलिए आप सियासी तौर पे बेदार हैं, आपको मुबारकबाद। पिछले तिरगांव वालिया फटाए, यहाँ बड़े शायर लोग हैं, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। एक फयाज साहब हैं और आज एक आबिद साहब हैं, जिन्होंने हमारे बारे में कुछ बयान किया। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे दिल को छू गया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जब तक आपकी बहन जो है सियासत में है, अपने ईमान का सौदा न करे और ईमानदारी से सियासत करे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन सब इंजीनियर्स का जिन्होंने इसमें मेरी मदद की डीपीआर बनाने में, और खास तौर पे शैलेंद्र जी का जो पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल लगे थे। एक बार जब मैं उनसे उनके पास गई ये सारे रोल्स लेके, पिछड़ा आसा अंत में ये बनिया यूटी, तो जनाब पैसा ऊपर से आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, यूटी में हमें ठीक ठाक पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन हर काम करने के लिए आपको जाना पड़ता है। पिछले साल जब आपके पास आई तो मैंने आपसे वादा किया कि इंशाल्लाह जो तेलगाम है इसके लिए मैं नबार्ड में प्रपोजल भेजूंगी। जितने प्रपोजल मैंने भेजे, और फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, भाई ये क्लिक चला ना, क्योंकि मुझे भेजने उनको लिंदर जी का, कि उन्होंने मुझे कहा प्लानिंग वालों के साथ बैठ के ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने रखे, और तब तक इनका दफ्तर नहीं छोड़ा जब तक नबार्ड में इनको इंक्लूड नहीं करवाया। साथियों, मैं एक बात आपको बताती हूँ, इसलिए आज और क्या आगे जाना चाहिए ना, काफी तरह चाहिए ये नाम और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जितनी देर अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, जितनी देर जिम्मेदारी दी है, कि अल्लाह ताला मेरे लफ्जों में, मेरी कलम में उतनी ताकत बख्शे कि मैं आप गरीब लोगों का काम कर सकूं, कि अगर मेरे जरिए मेरी बच्चियों का, नौजवानों की कुछ भलाई हो सकती है तो अल्लाह मेरी इसमें मदद करे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जम्मू कश्मीर को हकीकत में, जिस तरह हम कहते हैं ये जन्नत है, सारी दुनिया में जो है ये वाकई जन्नत की तरह उभरे, यहाँ अमर रहे, हमारा नौजवान तरक्की करें, हमारी बच्चियां पढ़ाई करें, तरक्की करें। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और अल्लाह से ये भी दुआ करती हूँ कि मेरे हाथों से किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। हाट पंची, हाट पंची की सियासत ना मैंने की है ना मैं करूंगी, हाट पंची नहीं की। एसडीएम साहब, आप इसको मेरी डायरेक्शन समझें कि डेवलपमेंट के काम में अगर कोई कितना भी बड़ा सियासतदान इंटरफेयर करेगा वो खतरे बर्दाश्त नहीं करेगा। डेवलपमेंट का काम रुकना नहीं चाहिए। डेवलपमेंट में दोबारा मैं कहती हूँ ये चीज, अगर किसी ने डेवलपमेंट के काम के लिए रुकावट करने की कोशिश की तो कानून अपना काम करेगा। कि तिलगाम ए हो या तिलगाम बी हो, ये रोड आप दोनों के लिए है, विजुअलाइज है। अभी मैं अपने तहसीलदार साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑफिसर हैं आपके, इनसे मैंने कहा कि मुझे जमीन का पूरा बताइएगा, हम अगले प्लान में आपका प्ले ग्राउंड रखेंगे, बिजली का मसला जो होगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, आपका जो पी आर आई का पैसा है वो हमने देखना है, हम कोशिश करेंगे जो आपका बिजली का मसला होगा उस फंड में हम रखेंगे, इंशाल्लाह इस मसले को हल करेंगे, मगर सुबह आपको सबर करो, हाँ थोड़ा सा सबर करना है। बाकी हम इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में, मैं अभी एसी साहब से बात कर रही थी कि हम अपना क्या बोलते हैं उसको कार्ड, कौन सा कार्ड होता है भाई जो स्टूडेंट्स का होता है, मार्क्स के लिए मार्क्स कार्ड, रिपोर्ट कार्ड। हम इंशाल्लाह, मैं एक चेयरपर्सन हूँ और आप ही डीडीसी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद
मुझे फख्र है अपने डीडीसीज का जो इतनी मेहनत करते हैं उन सब का, और इंशाल्लाह हम अपने 2-2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड सारे 12 डिस्ट्रिक्ट के लोगों के सामने रखेंगे कि हमने रोड कनेक्टिविटी पे कितना काम किया, हमने बिजली पे कितना काम किया, हमने पानी पे कितना काम किया, हेल्थ फैसिलिटी पे कितना काम किया, यूथ के लिए कितना काम किया। और हम उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं जो 16-15 साल एमएलए रहे और मिनिस्टर रहे, हम उनसे भी रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। मांगना है कि नहीं? मैडम पापा जोर से बोलो जमानत जबर नहीं तो इंशाल्लाह जमानत। पहले रिपोर्ट कार्ड लाओ उसके बाद वोट मांगो। अब हमें कोई बेवकूफ नहीं बनाना। तो इंशाल्लाह आप मुतमईन हो जाइए क्योंकि 26 जनवरी का फंक्शन है। खूबसूरती है इस मुल्क की। अभी आई है बुजुर्ग मेरी माँ जैसी मेरे मुझे आया मुझे प्यार किया मिले। ये सिर्फ आप अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ कर सकते हैं। यहाँ मेरे ऑफिसर्स हैं, बुरा नहीं माना, ऑफिसर्स के साथ नहीं कर सकते। हम आप में से ही, इसलिए इलेक्शन जो है हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो जमहूरियत में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने चाहिए, चाहे वो सरपंच के हो, म्यूनिसपैलिटी के हो, असेंबली के हो, हर सूरत में करवाने चाहिए क्योंकि ये आपका वोट है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो साथियों इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इजाजत चाहूंगी कि वायु का शुक्रिया मैं कह नहीं सकी बहुत बहुत। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप हमारी जमहूरियत का 4th पिलर है, इसलिए आप लोगों को जो काम होते हैं ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है उसको भी प्रोजेक्ट एंड प्रमोट करना चाहिए। जहाँ पे गलती होगी उसको भी सामने लाना चाहिए। लेकिन चंद लोग आप में से ऐसे हैं बुरा नहीं मानना जो एक प्रोपोगंडा के तहत जो है आपके प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आज हम तिलगांव आए, तिलगांव में भी हमने ये राउंड लास्ट ईयर भेजा था और अल्लाह का शुक्र आज उसका फाउंडेशन स्टोन रखा और मुझे यकीन है कि 1.5 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। मुझे अपनी पूरी इस टीम पे यकीन है। इसे मजीद जो यहाँ पर लोगों ने डिमांड रखी कि बिजली का यहाँ बड़ा क्राइसिस है, कल मैं इंशाल्लाह बारामूला होंगी तो मैं इसी हिसाब से और यहाँ के जो एक्सन है उनको बुलाऊंगी तो वो भी करेंगे। लास्ट ईयर मैंने वनीगांव रिसीविंग स्टेशन के लिए भेजा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। बुशु सेग्रीगेशन भेजा वो हो गया। पानी का यहाँ मसला है वनीगांव में, वो अभी डिस्कस किया मैंने AWD से, तो वो लैंग्वेज में है बेसिकली, उसमें थोड़ा सा इशू है फंडिंग का, वो भी हो जाएगा जो मुझे ऐसी साहब ने बताया, वो मसला भी हल हो जाएगा। इसे मजीद जो है नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड, और इस बारी जो हम प्लान बनाएंगे उसमें फोकस हमारा रहेगा कि जितनी बिल्डिंग्स हैं ब्लॉक में पहले उन बिल्डिंग्स को उठाइए और उनको मुकम्मल कीजिए, जो क्योंकि पैसा अब भी आ रहा है इसका और जो सारा है ये आ चुका है डिपार्टमेंट के पास, लेकिन ऑब्वियसली सुपरविजन हम नहीं करना है, प्लान भी हम नहीं पास करना है। तो उसमें पंचायत बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड और जितनी हमारी पेंडिंग बिल्डिंग्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएशन पे होगा। इसे मजीद जब ये होगा जब करते हैं ग्राम सभा, आपके थ्रू मैं तमाम गाँव के लोगों को ये अपील करती हूँ कि जब ग्राम सभा होता है और हर महीने की पहली मंडे को ग्राम सभा होता है तो ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो आपके मसले मसाइल हैं वो उनके सामने रखने चाहिए ताकि हम प्लान उसी हिसाब से फरमाएं। मैं लास्ट टाइम आई थी और फिर मैंने वागुरा ब्लॉक में वहाँ पे बुलाया ऐसी साहब भी थी, आपने अच्छा किया। आपके थ्रू मैं ऐसी साहब का जो PDD थी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे कल फोन करके कहा कि तकरीबन 400 बिले जो हैं वो हमने उनका मसला हमने हल कर दिया। तो मैंने उनको बताया था कि जितना भी ये इशू है बिल का आपने AWD को कह के ये सॉर्ट आउट करें, तो मुझे लगता है कि ये सारा हल हो जाएगा जो बिजली का हमारे क्राइसिस है। और सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो पानी का है, तो लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब सोर्स ही नहीं है, मतलब नाले सूख गए, ना बर्फ़ हो रही है ना बारिश हो रही है, तो ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें नौपुरा में कुछ मसला था वो भी हल हुआ, उनको रखा है कुछ टाइम दिया है कुछ आवर्स उनको पानी मिलेगा। लेकिन आप भी दुआ कीजिए, हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बर्फ़ हो बारिश हो ताकि फ्यूचर में, क्योंकि अगर यही मौसम रहा तो आप समझ सकते हैं कि आगे कितने क्राइसिस होंगे। भाई आज मैं सियासत पे बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा कोर एजेंडा है जो डेवलपमेंट, हाँ ये चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे।